स्पीकर हमारे गुलाम हैदर मलिक साहब और हमारे लोही मल्हार से जो आए हुए सब लोग जो हैं, मैं इनका तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि रात को बारिश थी उधर बहुत ज्यादा, और इस बारिश के बावजूद सब लोगों को पता है कि इस लोही मल्हार की रोड कितनी खतरनाक है, और उसके बावजूद लोग यहाँ पे पहुंचे, और ये लोग दिल से पहुंचे हैं, कुछ उम्मीदें लेके पहुंचे हैं इतनी दूर। तो उम्मीदें क्या हैं? उम्मीदें ये हैं, हम लोगों के काम अभी तक नहीं हुए, हम लोग अधूरे हैं। आज भी हमारा फैसला बिलावर से होता है, हमारा बीडीओ ऑफिस बिलावर में बैठता है, गैर कानूनी तौर पर बैठता है, उनको लीडरों की शेल्टर है। हमारा सीडीपीओ ऑफिस बिलावर में बैठता है, अगर बनी के दफ्तर बिसौली से काम करना शुरू करें तो कितना दुख होगा, कितनी परेशानी होगी। हमारे लोगों को 70 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके बीडीओ के पास पहुंचना पड़ता है, जो बीडीओ लोही मल्हार का है, और वहां बैठ के उनको डेटा पर इशू करता है। इतना बड़ा जुल्म, जब आप इस जुल्म के आगे खड़े नहीं होंगे, मैंने अपने लोगों को कहा मेरे साथ चलो, मैं उस दफ्तर को आग लगा दूंगा, मैं देखूंगा एफआईआर क्या मेरे खिलाफ करेंगे वो लोग। जबकि दफ्तर कागजों में लोही मल्हार के अंदर है, वो बिलावर में बैठ के क्या करते हैं? जब वहां के डिप्टी सीओ हमारे चिमन जी जो लोकल है, उन्होंने उस एडीओ को कहा कि आप अपना दफ्तर शिफ्ट करो, उन्होंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को अप्रोच किया और वहां पैसा खिलाया। कुछ बीजेपी के लीडर जो है बिलावर में बैठ के उनको पैसा खिलाते हैं और हमारे लोगों का सौदा किया जाता है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, आप उस जुल्म के आगे खड़े हो जाओ। जात के अंदर बांटा जाता है, हमें धर्म के नाम पे बांटा जाता है, लेकिन अब ये हम नहीं होने देंगे। मास्टर गौरी शंकर जी ये खुद नहीं खड़े हुए हैं, ये लोगों के नेता हैं, लोगों के लिए रहेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। ये कोई वॉल लीडर नहीं है कि शाम को सीधा फोन करेंगे तुमने क्या किया, मेरे खिलाफ क्या बोला। लीडर ऐसा नहीं होता है, लीडर कौन होता है? जिसको लोग, जो लोगों के बीच में बैठेगा। ये आज हमारे वीआईपी हैं, कल वीआईपी नहीं होंगे। हमारे गौरी शंकर जी जब भी स्टेज पे होंगे, ये वहां होंगे, आप लोग यहाँ पे होंगे। ये आप मेरे से दावे से लिख लेना, जब भी स्टेज होगी गौरी शंकर जी लोगों के अंदर बैठेंगे, गौरी शंकर जी स्टेज पे वीआईपी नहीं होंगे। मैं खासकर मैं लोही मल्हार के अंदर, यहाँ भरम बड़ा फैलाया जाता है बनी के अंदर, क्योंकि मैं सब जगह खबर रखता हूँ कि फलाने के साथ है, फलाने के साथ है। आज आपने देख लिया कौन किसके साथ है, आपने देख लिया 40 बसें देख ली, कितनी गाड़ियां देखी, सबने देखी, कोई झूठ नहीं है। ये 500 रुपए पे बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये शराब पिला के बुलाई गई भीड़ नहीं है। अभी तक हमने मुंह में पानी नहीं डाला हुआ है, सुबह से चले हुए हैं, मैं 3 बजे से चला हूँ, अभी तक पानी नहीं किया है, पानी मुंह में लोगों ने नहीं डाला है। ये एक लीडर के प्रति प्यार है, और जो आजाद साहब के काम है वो गिनाने की जरूरत नहीं है। बनी के लोगों से अपील है, काम किया तो आजाद साहब ने किया, बीजेपी आए मेरे से चैलेंज लेके आ जाए। जितने भी बीजेपी के लीडर हैं, यहाँ बाजार में भी बड़े मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे, आप आओ, आप दिखाओ यहाँ पे कि आपने काम क्या किया है। चैलेंज है, आ जाओ ओपन डिबेट पे, आ जाओ मास्टर गौरी शंकर जी के साथ, उनके साथ क्या आना है, मेरे साथ आ जाओ, आप काम गिनाओ। जो रोड़े आप देख रहे हो, फतेहपुर भंडार, सिद्धी गती सुलून, ये रोलका दाल का डंडी गुड्डू, ये ऊपर चांदन से ये जो ऊपर रोड जा रही है, ये वाली रोड, ये दौला माता रोड, ये सब सड़कें लोही मल्हार के अंदर, ये 2009 में हमारे 18 प्रोजेक्ट सेंक्शन होके आए थे, ये वही सड़कें हैं। ये कोई सड़क नहीं इन्होंने बनाई है, कोई प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं कराया है, ये सब झूठ बोलते हैं लोगों के साथ। जब इनको पूछा भाई काम नहीं किए, तो मोदी का नाम लेते, काम नहीं किए अमित शाह का नाम लेते, रोज रोज अमित शाह उसकी दाल नहीं गलेगी। इनकी जम्मू में हालत देखो, आपको पता नहीं है, मैं शायद वहां रहता हूँ, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी आपस में इतनी लड़ाइयां शुरू हो गई है, तो मैं चाहूंगा आप जो हमारा निशान है, क्या है निशान हमारा पार्टी का, जोर से बोलो, क्या है निशान, क्या है निशान? पार्टी नहीं भूलनी है, पार्टी नहीं भूलनी है बस। और सबसे बड़ी बात, जितना यहाँ वर्कर आया दिल से आया, अपनी बूथ पे ध्यान रखना है बस। ये सोशल मीडिया पे झूठा चलता है, झूठा प्रचार चलता है, शोशा चलता है, हमें पता है। हम सोशल मीडिया, जब यहाँ पे किसी को सोशल मीडिया चलाने नहीं आता, 96-95 में मुझे, हम चलाते थे, हमें पता है सोशल मीडिया क्या होता है। ये फ्रॉड होता है, ये मैनेज किया जाता है। ये जो बीजेपी की सोशल मीडिया की टीम है, इनको 2 रुपए का पर ट्वीट दिया जाता है, 2 रुपए इनको, 2 रुपए वाले लीडर है जो इनके चमचे आगे काम करते हैं, जो सोशल मीडिया पे भोंकते हैं, वो 2 रुपए शेयर करने का उनको आता है। ये ध्यान रखना, ये 2 रुपए वाला नाम,
जो भी ट्विटर और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे बीजेपी की बात करेगा, आप यकीन मानना उसको ऊपर से 2 रुपए मिले। वो 2 रुपए की कमाई के लिए ये काम करता है। उसके घर में उसकी चट्टी फटी हुई है, लेकिन बीजेपी कर रहा है। पता नहीं ये काम किसने किया है। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। जहां तक लोही मलार और डुगैन मलार की बात है, मैं मलिक साहब और हमारे ये बैठे हुए तारिक साहब बैठे हैं, हमारा लोही मलार के अंदर एक तहसील का मसला है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका, हमें एक ही तहसील मिली, हम और 2 तहसीलों के हकदार हैं। हमारी डुगैन तहसील हमारी प्रायोरिटी होगी और मैं लड़ूंगा एमएलए जी हमारे। आप जिता के देखो और हमें देखो, हम कैसे काम करेंगे। मैं लोकल हूँ वहां का, मैं वहां रहता हूँ, मुझे पता है वहां क्या प्रॉब्लम्स है। किसी को नहीं पता, कोई कहीं रहता, कोई कह रहा था अपने आपको लोही मलार के बनी का कहता, नहीं मेरा घर है वहां पे, आप मेरे पास आ सकते हो, देख सकते हो। मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं 2000 लोगों को अपने घर में ठहरा सकता हूँ। मैं वहां रहता हूँ, मैं लोही के अंदर रहता हूँ, मेरा घर है वहां पे। हमने बचपन से लेकर आज तक मुसीबतें देखी है, 30-30 किलोमीटर पैदल चल के, अभी भी देखो खड्डे पड़े हैं। अगर आज भी आप सच्चाई का साथ नहीं देंगे, आज भी आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे पुलिस में जो भर्ती हुई थी किसने कराई थी भर्ती? आजाद साहब ने और मलिक साहब ने। पहले जब मलिक साहब का टर्नओवर था, इन्होंने भर्ती कराई थी। जब आजाद साहब का टर्नओवर आया, उन्होंने भी भर्ती कराई। यह देख रहे हैं इन्होंने कौन सा एक चपरासी लगाया। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। पहले हमारे कितने बच्चे जॉब में नौकरियां करते थे।